हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हमारे पास जो लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है फिश प्रोडक्शन। देखिए, फिश प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो फिश इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। फिशेज क्या होती है? फिश इज द सोर्स ऑफ प्रोटीन। और एक सबसे बात बड़ी बात, ये प्रोटीन का सोर्स जो है नेचुरली ऑब्टेनिंग कंडीशंस में ये हमें मिलती है। मतलब आप ये कह सकते हो चीप सोर्स ऑफ प्रोटीन, समझ गए ना, आसानी से हमें मिल जाती है, चीप सोर्स है प्रोटीन का। इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहां फूड की रिक्वायरमेंट की कमी है, अगर फूड मिलता है तो फिर न्यूट्रिशन की कमी की बात करते हैं, तो ऐसी कंट्री के अंदर फिशेज जो है, मतलब फिश प्रोडक्शन या फिशरी जो होती है, वो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फूड आइटम का काम करता है। ठीक है, स्पेशली कहां पर भाई? आप देखिए, इंडिया का जो कोस्टल रीजन प्रेजेंट होता है, इंडिया का जो कोस्टल रीजन है, ये जो रीजन प्रेजेंट है इंडिया के अंदर, कोस्टल रीजन, ठीक है ना, ये कोस्टल रीजन है। यहां की बात अगर हम करते हैं, यहां इस टोटली केस में, तो ये इंडिया का, इंडिया की जो नॉटिकल मील्स, यानी हम जिसको बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स, जो 1.8 मील का एक होता है, ठीक है, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर सबसे ज्यादा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर फिश प्रोडक्शन का काम किया जाता है, और इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा मैराइन फिशरी का वर्क परफॉर्म किया जाता है। हालांकि इनलैंड फिशरी भी की जाती है, ये सब तो क्या है भाई, मैराइन फिशरी, ठीक है, लेकिन इनलैंड भी की जाती है, इनलैंड फिशरी। हम बताएंगे कि इनलैंड क्या होता है, मैराइन क्या होता है। तो मीन्स अगर हम देखते हैं तो ये एक फूड का आइटम है, किसके केस में, स्पेशली इन केस ऑफ, और मीन्स फिशेज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, मतलब किसकी फॉर्म में भाई, प्रोटीन की फॉर्म में। इट मींस हेल्प इन टू अवॉइड माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ठीक है, किस चीज में हेल्प करती है भाई, टू अवॉइड माल न्यूट्रिशन, स्पेशली इन केस ऑफ कोस्टल रीजन, ठीक है भाई, समुद्र के किनारे का जो रीजन होता है उसको कोस्टल रीजन बोलते हैं। तो कोस्टल रीजन के अंदर स्पेशली ये जो फिशेज होती हैं, वो एक डाइट का काम करती हैं, तो मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं। आपने सुना होगा कोड लीवर ऑयल, ठीक है ना, कोड लीवर ऑयल, इसके बारे में सुना होगा। इसके अंदर सोर्सेज जो होते हैं, सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, ये मेन सोर्स होता है विटामिन ए और डी का। मतलब कहने का ये है कि प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है हमारे इंडिया के अंदर, फिशेज जो है वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को काफी हद तक कंप्लीट करती हैं। यानी जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं पुअरेस्ट कोस्ट रीजन, जैसे इज नोन एज द ओडिशा कोस्ट के केस में है, आंध्रा कोस्ट के केस में है, इस तरीके से जो रीजन प्रेजेंट है वहां पर, कोस्टल रीजन के अंदर प्रोटीन का ये मेन सोर्स का काम करता है। अगर एक नॉर्मल सिचुएशंस की बात करते हैं तो इंडिया की टोटल फिश प्रोडक्शन की बात अगर हम करते हैं तो उसमें से 45% इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करता है, ठीक है ना, टोटल इंडिया एक्सपोर्ट 45% ऑफ टोटल फिश प्रोडक्शन, ठीक है ना, एक्सपोर्ट करता है, एक्सपोर्ट मतलब बाहर भेजता है। तो मतलब एक इकोनॉमिकल कंडीशंस के बेस के ऊपर अगर हम देखें तो एनुअली इंडिया जो है वो लगभग 400 करोड़, ठीक है ना, 400 करोड़, एक तरीके से जो हमारे पास, हम ये कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन शो करता है एनुअली।
तो इसके बेस के ऊपर इतना ज्यादा पैसा कमाती है इंडियन फिशरी, जो मतलब एनुअली के बेस के ऊपर 400 करोड़ की बात हम करते हैं। तो ये तो है नॉर्मल वे में। अब अगर हम फिश की बात करते हैं, फिशरी की बात करते हैं, तो सिंपली हम किसके बारे में बोल सकते हैं, भाई फिशरी का मतलब क्या होता है? फिशरी का मतलब होता है कि कैप्चर, प्रोटेक्शन, एक्सप्लोइटेशन, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है या किसी भी तरीके से। तो हमारे पास फिशरी का मतलब क्या होता है? फिशरी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक एग्रीकल्चर का ही पार्ट, हम उसको एग्रीकल्चर में इंक्लूड कर सकते हैं फिशरी को, ठीक है। लेकिन फिशरी का मतलब क्या होता है? फिशरीज, इसका मतलब क्या है भाई? फिशरी का मतलब क्या है? फिशरीज का मतलब है ए प्रोसेस इन विच वी कैप्चर, ठीक है। पहला पॉइंट तो क्या है भाई, कैप्चर करते हैं। उस कैप्चर के साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं? प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, प्रिवेंशन एंड एक्सप्लोइटेशन। एक्सप्लोइटेशन का मतलब जो उसकी दर के अंदर जो भी, मतलब एक तरीके से ओवर एक्सप्लोइटेशन जिसका ज्यादा यूज करते हैं, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डिफरेंट रिसोर्सेज, डिफरेंट रिसोर्सेज, जिसमें डिफरेंट रिसोर्सेज में हमारे पास क्या है? फिशेज हैं भाई, प्रॉन है, ओयस्टर है, लोबस्टर है, ठीक है, क्रैब है, एटसेट्रा। मतलब जो किसमें बिलोंग करते हैं, मतलब ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑफ एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर मतलब एक ऐसा कल्चर जो वाटर में होता है। एक्वा कल्चर का मतलब क्या होता है? एक्वा कल्चर इट्स मीन्स कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट एक्वेटिक फ्लोरा एंड फोना, यू नो। स्पेशली तो हम किसको बोलते हैं भाई? स्पेशली इन फोना कंडीशन, ठीक है। किसके केस में? हमारे पास स्पेशली किसके केस में है भाई? फोना के केस में ये कंडीशन इंक्लूड है। तो फ्लोरा और फोना के केस में हम यूज करते हैं, यू नो, कि फोना के केस में जो हमने ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा है, फिशेज, प्रॉन, ऑयस्टर, लोबस्टर, क्रैब, ठीक है, ये सब ऑर्गेनिजम्स इसी केस में, यानी एक्वा कल्चर के केस में आते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है भाई, हम ये कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ फिशरी, टाइप ऑफ फिशरी को हम कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ फिशरी को हमें कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं भाई। एक तो फिशेज की टाइप के बेस के ऊपर, ठीक है ना, एक तो हम किसके बेस के ऊपर कर सकते हैं भाई? फिशेज की टाइप के बेस के ऊपर। तो फिशेज की टाइप के बेस के ऊपर देखिए दो टाइप की हमारे पास है, जिसमें हमारे पास क्या क्या चीज है भाई? फिन फिशरी और सील फिशरी। तो हमारे पास टॉपिक क्या बनता है? टाइप्स ऑफ फिशरी। टाइप ऑफ फिशरीज, देखिए इसमें हमारे पास दो कंडीशन है भाई, ठीक है। नंबर वन क्या है, मैंने आपको बताया कि फिन फिशरीज, और दूसरी कौन सी है भाई हमारे पास? सील फिशरीज। दो टाइप की हैं, एक तो हमारे पास के हैं फिन फिशरीज। देखिए फिन फिशरीज का मतलब क्या होता है? नॉर्मली जो हमारे पास कार्टिलेजिनियस फिशेज जो होती हैं, ठीक है, या हमारे पास देखिए हम इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? कैप्चर, ठीक है, एक्सप्लोइटेशन
एंड मैनेजमेंट ऑफ द बोनी एंड कार्टिलेजियस फिशेज। ठीक है, देखिए कैप्चर एक्सप्लोइटेशन और मैनेजमेंट ऑफ द बोनी एंड कार्टिलेजियस फिशेज, यानी विदाउट सील जो फिशेज होती है जिसके ऊपर हार्ड कोटिंग नहीं होती उसको हम इसमें इंक्लूड करते हैं। सेकंड केस में हमने वर्ड लिखा है सील। यू नो कि जब भी आपने यहां पर मतलब फाइलम्स की बात हम करते हैं, जो हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, फाइलम्स के केस में हमारे पास एक फाइलम है जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक, जिसकी बॉडी जो होती है सॉफ्ट होती है और उस बॉडी के ऊपर सील प्रेजेंट होता है, लाइक दैट जिसमें हमारे पास पाइला वगैरह शंख वगैरह आते हैं, तो वो हमारे पास कौन सा है भाई, मोलुस्का फाइलम। तो यहां पर मोस्टली ऑर्गेनिज्म सील फिशरी के अंदर मोलस्का फाइलम से बिलोंग करते हैं। तो वही सेम कंडीशन है, कैप्चर एक्सप्लोइटेशन मैनेजमेंट ऑफ ए मोलस्कस मेंबर्स। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं स्पेशली फॉर मोलुस्का स्पीसीज। ठीक है ना, मोलस्कन स्पीसीज जो प्रेजेंट है उन सब के लिए हम इसमें इंक्लूड करते हैं। अब वो मोलस्कस स्पीसीज जो प्रेजेंट है हमारे पास वो किसके बेस के ऊपर है भाई, कैसी कैसी है, देखिए उसमें हमारे पास हम जैसे कह सकते हैं प्रॉन है, ठीक है, ओयस्टर है, लोबस्टर्स है, ये सब इसमें इंक्लूड है हमारे पास। ठीक है, तो यहां पर भी हमारे पास क्या चीज है, वही चीज है कैप्चर मैनेजमेंट एंड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द क्रैब्स लोबस्टर्स, ठीक है, ओयस्टर्स, प्रॉन, ऑक्टोपस, ये सब इसमें इंक्लूड है भाई। ठीक है, ये सभी जो है डाइट के रूप में यूज किए जाते हैं, तो मीन्स ऑल आर इंक्लूड इन केस ऑफ द सील फिशरीज। ठीक है, ये सब किसमें इंक्लूड है भाई, सील फिशरीज में इंक्लूड है। इसके अलावा फिशरीज को हम और तरीके से भी डिवाइड कर सकते हैं, टाइप ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है ना, फिशरी ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फिशरीज, ठीक है, उसके बाद मतलब ऑर्गेनिजम्स के बेस के ऊपर नाउ मोड ऑफ, किसके बेस के ऊपर, मोड ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है, दूसरा क्या हमारे पास है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ कल्टीवेशन, दूसरा क्या हमारे पास है, बेस्ड ऑन मोड ऑफ कल्टीवेशन। तो दो टाइप की है भाई, कौन कौन सी है इसमें भी हमारे पास है? एक तो है हमारे पास है कल्चर फिशरी, कौन सी है, एक तो कल्चर और दूसरी क्या है भाई, कैप्चर फिशरी। कल्चर फिशरीज, दूसरा क्या है, कैप्चर फिशरीज। ठीक है, एक कल्चर फिशरीज है, दूसरी कैप्चर फिशरी है हमारे पास। तो इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं। तो कल्चर और कैप्चर का मतलब आपको नाम से पता चल रहा है, कल्चर का मतलब जिसमें हम सीड का यूज अपनी तरफ से करते हैं, स्पेशल सिस्टम बनाते हैं। कैप्चर का मतलब क्या होता है, किसी भी नेचुरल रिसोर्सेज से अगर हम फिश को कलेक्ट करते हैं तो उसको हम कैप्चर में इंक्लूड करते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, अगर हम कल्चर फिशरी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका सिंपल सा वर्ड है कि कल्चर फिशरी का मतलब होता है कि कैसी कंडीशन, इट इज द कल्टीवेटिंग। ठीक है ना, इट इज ए कल्टीवेटिंग रियरिंग एंड, अब देखिए कल्टीवेट करना है, रियरिंग करना है और हार्वेस्ट करना है, हार्वेस्टिंग ऑफ फिशेज। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, हेयर वी यूज द मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ठीक है ना, हेयर वी यूज द मॉडर्न
टेक्नोलॉजी फॉर द फिश प्रोडक्शन, ठीक है ना, जिसके लिए फिश प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड कंडीशंस की हम बात करते हैं। देखिए कल्चर फिशरी जो होती है उसको हमें मोस्टली केस में हम इनलैंड फिशरी के नाम से जानते हैं। कल्चर फिशरी को हम मोस्टली केस में इनलैंड फिशरी के नाम से बोल सकते हैं। भाई इनलैंड का मतलब क्या होता है कि जिसके केस में हम क्या कर सकते हैं, जिसके केस में हम कल्टीवेशन जो कर सकते हैं ओनली उन केस ऑफ द जैसे लैंड के बेस के ऊपर स्पेसिफिक पॉन्ड बना के वहां कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कैप्चर फिशरी। अब कैप्चर फिशरी का मतलब क्या होता है, मतलब ए प्रोसेस इन विच वी कैच द फिशेज फ्रॉम ए नेचुरल रिसोर्सेज, जो वाटर के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू उनसे हम फिशेज को कैच करते हैं। भाई अब देखिए यहां पर जो हम फिशेज को कैच करते हैं मतलब हमने क्या करना है, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज से विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट, विदाउट पेइंग एनी कॉस्ट फॉर देयर मेंटेनेंस, उनकी मेंटेनेंस के लिए। लेकिन वी यूज हेयर आल्सो, वी यूज हेयर आल्सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है भाई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मतलब है कि बड़े बड़े शिप हैं उसको समुद्र में लेके जाते हैं, बड़ी बड़ी नाव है उसके बेस के ऊपर बड़े बड़े नेट हैं, उनसे फिशेज को कैप्चर करते हैं। वे दूसरी चीज क्या है कि फिशेज का जो ग्रुप होता है मतलब उसका जो सोल होता है, ग्रुप फिशेज के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, सोल के नाम से बोलते हैं, उसको फाइंड आउट करने के लिए वी यूज द सैटेलाइट इमेजिंग। सैटेलाइट से इमेज जो मिलती है उसकी सहायता से हम यूज करते हैं कि भाई कहां पर वो सोर्स मतलब फिशेज प्रेजेंट है, ज्यादा अवेलेबल है। दूसरा हम रडार सिस्टम का भी यूज करते हैं, सोनार सिस्टम का भी यूज करते हैं कि गहराई के अंदर फिशेज को फाइंड आउट करने के लिए। तो मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं जिसके बेस के ऊपर हम कैप्चर फिशरी का कंप्लीट रोल प्ले करते हैं। उसके साथ साथ आप सब लोगों को पता है फिश प्रोडक्शन की बात जब आती है तो उसको हम फिश फार्मिंग के नाम से बोलते हैं या आल्सो कॉल्ड द पाइसी कल्चर, ठीक है ना। वो किस में आती है, हमारे पास कल्चर फिशरी में आती है, ठीक है। वो किस में इंक्लूड है, हमारे पास है फिश फार्मिंग समझ लिए या पाइसी कल्चर के नाम से इसमें आती है भाई हमारे पास, ठीक है ना। फिश फार्मिंग या उसको आप क्या बोल सकते हो, पाइसी कल्चर, इसको आप क्या बोल सकते हो, पाइसी कल्चर के नाम से बोल सकते हो, पाइसी कल्चर, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन है भाई, फिश फार्मिंग और पाइसी कल्चर, मतलब ये किस में आती है, कल्चरल फिशरी में आती है। इसके अलावा भी हम फिशरी की टाइप्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं और वो हमारे पास किसके बेस के ऊपर है, वाटर बॉडी के बेस के ऊपर है, ठीक है ना। मतलब उस सोर्स के बेस के ऊपर है, वाटर बॉडी की बात हम कर रहे हैं जिसके बेस के ऊपर। तो टाइप ऑफ फिशरी अभी किसके बेस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर रिसोर्सेज। On the basis of water body यानी resource, ठीक है, उसमें type आती है हमारे पास। तो इसमें भी हमारे पास three types हैं भाई, वो कौन कौन सी है, one is that the marine fishery, एक हमारे पास कौन सी है भाई marine fishery। अब इसमें हमारे पास है one is the marine fishery, सेकेंड हमारे पास क्या है भाई फ्रेश वॉटर फिशरीज, फ्रेश वॉटर फिशरीज, और थर्ड कौन सी है भाई ब्रैकिस
वाटर फिशरीज, ठीक है। ये सब क्या चीजें होती है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अभी मैराइन फिशरी क्या होती है, जिसमें हमारे पास फ्रेश वाटर फिशरी क्या होती है, ब्रैकिश वाटर फिशरी क्या होती है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर अगर हम ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, इस क्लासिफिकेशन की अगर हम सिंपली वे में बात करते हैं, तो इसमें सिंपली वे में क्या है भाई, हमारे पास पहले सोर्स से पता चलता है कि मैराइन फिशरी का मतलब द फिशरी विच अकर्स इन ए साल्टी वॉटर। कहाँ होती है भाई, सिर्फ साल्टी वाटर में होती है, समझ गए ना। साल्टी वाटर का मतलब आप सीधे सिंपल सी बोल सकते हो, इन द सी, ओशियन एटसेट्रा, ठीक है। जहां पर फ्रेश वाटर नहीं है, मतलब जहां पर सोर्स बिल्कुल वाटर का जो है वो बिल्कुल टोटली साल्टी वाटर है, तो इसको मैराइन फिशरी के नाम से बोलते हैं। सेकेंड कंडीशन में हमारे पास क्या है भाई, सेकेंड है हमारे पास फ्रेश वाटर बोट, फ्रेश वाटर फिशरी। यू नो फ्रेश वाटर का मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब द फिशरी फिशरीज विच अकर इन द फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर का मतलब आप ये मत समझिए कि बिल्कुल ताजा पानी, फ्रेश वाटर का मतलब होता है वाटर विदाउट साल्ट, वाटर विदाउट सॉल्ट, ठीक है ना, जिसमें सॉल्ट्स नहीं होते। या भाई आप ये कह सकते हो किसी रिवर में रिवराइन, किसी लेक में, इस तरीके से हम इसको इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब जहां पर सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होते, तो इस टाइप की जो फिशरी होती है हमारे पास, उसको फ्रेश वाटर फिशरी के नाम से जानते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट है ब्रैकिश वाटर फिशरी। यू नो ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, ब्रैकिश का मतलब होता है तीतला पानी, आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है भाई, ए रीजन वेयर रिवर मर्ज विद सी, ठीक है, या ओशियन, जहां पर नदी जो होती है वो समुद्र के साथ मिल जाती है। अब ऐसे में जो सेलिनिटी होती है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं लो सेलाइन सेलिनिटी एरिया, ठीक है ना, जहां पर सेलिनिटी कम होती है उसको हम बोलते हैं। जैसे नॉर्मली एग्जांपल की अगर बात यहां पर करें तो यू नो अकीडल सुंदरवन डेल्टा, मतलब जहां पर गंगा नदी समुद्र से मिलती है, महानदी डेल्टा, कृष्णा कावेरी डेल्टा, तो इस तरीके से जो नदियां समुद्र से मिलती हैं, तो वहां उस पार्टिकुलर रीजन्स में फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर मिक्स होते हैं, ऐसे में सेलिनिटी वहां पर डाउन होती है, तो वो जो रीजन हमारे पास प्रेजेंट होता है उस रीजन को हम ब्रैकिश वाटर के नाम से बोलते हैं। अब ये सारे के सारे जो सोर्स, जो मतलब हमने टाइप बताई है, सबसे पहले हमने आपको बताई फिश की टाइप के बेस के ऊपर, जिसमें फिन और सील फिशेज की बात बताई हमने। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो हमने टाइप्स ऑफ मोड ऑफ कल्टीवेशन पे हमने बात की, जिसमें हमने कल्चर और कैप्चर फिशरी की बात की। देन हमारे पास टाइप ऑफ फिशरी किसके बेस के ऊपर, वाटर बॉडी या रिसोर्स के बेस के ऊपर, तो उसमें हमारे पास मैराइन फिशरी, फ्रेश वाटर फिशरी एंड ब्रैकिश वाटर फिशरी, तो ये टाइप्स ऑफ फिशरी हमारे पास प्रेजेंट है। आज के लिए हमारे पास इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर वे में मैराइन फिशरी क्या है, इनलैंड फिशरी क्या है, रिवराइन फिशरी क्या है, कैसे फिशरी हम करते हैं, कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।